ये एलिफेंट शेप के घर होते हैं और तकरीबन ये जिसकी हाइट होती है 12 से 15 मीटर लंबी होती है। गेस्ट बेडरूम था, फिर उसके बाद नॉर्मल बेडरूम था, फिर उसका चिल्ड्रंस बेडरूम था, स्टोरेज हाउस था, हॉल एरिया था, जानवर के रहने की जगह थी। भाई देखिए इस घर में ये ओरिजिनल चीता स्किन से बना हुआ है, उसका नाखून भी देख सकते हो आप यहाँ पर। घर में अंदर घुसने से पहले सारो सारो बोलना, सारो 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 देना दे मेरे को। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं अरबा मिंच और यहाँ मैं विजिट करने आया हूँ दोरजे ट्राइब से। भाई ये ट्राइब से मिलने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। लिटरली भाई मैं जिंका से यहाँ 300 किलोमीटर ट्रैवल किया सिर्फ दोरजे ट्राइब से मिलने के लिए, क्योंकि भाई ये ट्राइब मुझे सबसे ज्यादा यूनिक लगी क्योंकि इनके घरों की वजह से। भाई इनका घर इतना ज्यादा यूनिक होता है, मैं सारा आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। और भाई ये ट्राइब बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड और बहुत ही ज्यादा अलग है। जहाँ सारी ट्राइब है जिंका के आसपास, तो वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है और यहाँ तकरीबन और कोई भी ट्राइब नहीं, सिर्फ ये अकेली ट्राइब। और यहाँ आने का रास्ता जो था भाई इतना पहाड़ वगैरह, सबसे ज़्यादा मेहनत लगी भाई यहाँ आने के लिए। तकरीबन 25 किलोमीटर अरबा मिंच शहर से ऊपर आने के बाद ये मिला है, और पीछे यहाँ है दोरजे ट्राइब। तो सबसे पहले हमको यहाँ मिल गए। हेलो Hello. Hello, brother. Hello. What's your nice name? Nice to meet you. My name is Teddy. Teddy? Yeah. I'm a local guide here in Dorze. Mm-hmm. Now I will show you Dorze culture here. So I will give you explanation about all about it. Mm-hmm. And also, first of all, I will give you traditional clothes. Okay. You will wear it. Okay. Then you will change, you will be changed into Dorze people. Yeah. So ye bhai, ye humko starting mein mil gaye hain Teddy, jo yahan ke Dorze tribe ke hain. तो ये बोले मैं सारी चीजें आप लोग, और लोकल गाइड भी है यहाँ के, तो ये बोले कि भाई मैं सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। तो सबसे पहले भाई आपको पहनना पड़ेगा हमारा लोकल ड्रेस। तो सबसे पहले हम लोकल कपड़ा पहनेंगे यहाँ का, फिर उसके बाद सारी चीजें ये दिखाएंगे हमको, घर वगैरह इनके कल्चर के बारे में सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम लोकल ड्रेस पहन लेते, क्योंकि भाई कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो लेट्स गो। आने माइक के करीब, तो भाई आ गया ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं। तो ये हो गया भाई पैजामा, और इसको होल्ड करने के लिए नाड़ी। इनका जो कपड़ा है भाई सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, क्या कलरफुल और कितना अच्छा लग रहा है। तो ये आगे शॉल जैसा, वो भाई ये तो चीता स्किन है। दिस इज फ्रॉम चीता स्किन, चीता स्किन। हाँ भाई ओरिजिनल चीता स्किन, ओरिजिनल चीता, ओरिजिनल। दिस इज द नेल्स। भाई ये ओरिजिनल चीता स्किन से बना हुआ है, उसका नाखून भी देख सकते हो आप यहाँ पर। फेस द फेस द टीथ भाई, तो यार ये ओरिजिनल चीता स्किन है, इसका फेस और उसका दांत नाखून वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। और ये व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? हिप्पोपोटामस स्किन, हिप्पोपोटामस स्किन। ये चीता स्किन से बना हुआ है, ये हिप्पोपोटामस स्किन से बना हुआ है। सो लाइक दे यूज स्किन अलॉट हियर। कपड़ा देखे हुए नॉर्मल लोग नहीं पहनते, ये उड़ूगा पहनते हैं। यहाँ के जो किंग को यहाँ उड़ूगा बोलते हैं। तो भाई ये किंग का कपड़ा पहना हूँ मैं, और ये शील्ड प्रोटेक्शन के लिए, जो कि भाई हिप्पोपोटामस स्किन से बनी हुई है, और ये रियल चीता स्किन है भाई। नाखून से लेके भाई इनका चीता का फेस भी आप देख सकते हो। तो काफी, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी नाइस, वेरी यूनिक। या और ये जो ट्राइब है दोरजे ट्राइब, ये भाई बहुत ज्यादा फेमस है वीविंग के लिए। ये इनकी टेक्सटाइल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप देख ही सकते हो इनके कपड़े से, इतनी ज्यादा मतलब कलरफुल रहता है। और ये भाई अभी मुझे बताए हैं दोरजे ट्राइब के भाई कि ये जो तीन कलर आप देख रहे हो इसमें, रेड, ब्लैक और येलो, इसका मतलब क्या है? जो रेड है, रेड का मतलब ये होता है इनके एंसेस्टर, जो बाप दादा थे उनके बारे में रिमाइंड करता है, जो लोग हंटिंग करते थे वगैरह उस सब के बारे में। और जो ब्लैक है स्किन कलर है इनका, उसके रिप्रेजेंट करता है। और जो येलो है ये फ्यूचर के बारे में। तो यार ये तीन कलर जो इनके ट्राइब के कपड़े में आता है वो रिप्रेजेंट करता है ये। Let me explain short information about house. Okay. Then after we will go to see the inside part. This is the most exciting part. I was very curious to see this house. Okay. I like this. I like this house. It is so unique. It's very also unique. It's very unique. Yeah, I like it. 12 to 15 meters. 12 to 15 meters. Yeah. Huh? Most of time the house's problem is only termites. Okay. The termite can be attacked by every 12 years. Uh-huh. And then they cut from attacked part and the house becomes shorter. Shorter and shorter and shorter. इस सबसे ज़्यादा exciting part मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, जिसके वजह से मैं ये tribe visit करने आया हूँ, दोरजे tribe के घर। तो ये आप जो घर देख रहे हो ये elephant shape के घर होते हैं, और तकरीबन ये जिसकी height होती है 12 से 15 meter लंबी होती है। और ये घर की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसको ना दीमक खाते रहता है नीचे से। तो भाई जैसे दीमक खाते रहता है तो ये नीचे से काटते रहते हैं। तो धीरे 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 करते करते देखिए भाई ये कितना बड़ा है, 15 मीटर का है। और ये देखिए ऐसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ये जो बनाया गया है ये बाम्बू से बनाया जाता है,
तो इसलिए भाई इसमें दीमक ज्यादा लगते हैं। तो देखिए भाई अभी कितना बड़ा है, इसकी उम्र होती है तकरीबन 80 से 100 साल। तो धीरे धीरे जैसा टाइम जाते रहता है दीमक खाते रहता है नीचे से, तो घर नीचे आते रहता है तो उसको छोटा छोटा काटते रहते हैं काटते रहते। तो तकरीबन भाई जब ये 5 मीटर का बढ़ता है तो उसको फिर वो यूज़ नहीं करते, फिर ऐसा किचन वगैरह बना देते। जैसे आप ये देख सकते हो इसको किचन बना दिए यहाँ का, इस पर आप रहते नहीं है। Other tribe when they make hut, there is pillar in the middle of the house. Okay. But here in Dorset, there is no pillar in the middle. So because of that, this house is movable. We can move it one place to another place. अभी ये बता रहे हैं कि यूजुअली जो ट्राइब बाकी ट्राइब के घर होते हैं उसके बीच में आपको एक सेंटर पिलर मिलेगा जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन भाई दोरजे ट्राइब के जो घर होते हैं ये मूवेबल होते हैं। कभी कुछ पानी वगैरह आया, स्प्रिंग का पानी आया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आई यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं ये घर को मूव करते हैं, यहाँ से लेके कहीं और जाते हैं। और ये घर मूव करने के लिए तकरीबन 60 आदमी लगते हैं, 30 लोग अंदर होते हैं 30 लोग बाहर होते हैं। और इतना बड़ा घर आप देख सकते हो, ये उठा के दूसरी जगह लेके चले जाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। Yeah, the house is elephant like structure. Mm-hmm. There is two eye like structure which we use like window for ventilation and exit out for smokes. Uh-huh. The front is like trunk part. भाई ये जो आप घर का डिजाइन देख रहे हो ये एलिफेंट स्टाइल होती है, और आप देख सकते हो दो कान जैसे हैं वो ऐसे विंडो यूज करते हैं यहाँ पर। तो पहले बता रहे थे भाई तकरीबन आज से 180 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट हुआ करते थे, उनकी बहुत सारी हंटिंग हुई वगैरह। तो एलिफेंट जो वो ये एरिया छोड़ के चले गए अभी मागो नेशनल पार्क, और नीचे साइड साउथ की तरफ बहुत सारे एलिफेंट चले गए हैं। तो इस वजह से भाई उनको याद करने के लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते ताकि याद रहे कि भाई एक टाइम पे यहाँ एलिफेंट हुआ करते थे। तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। Built by the plan of parents, okay. Which is for honeymoon. For honeymoon. Honeymoon. Uh-huh. When the first son became mature for the marriage, uh-huh. Built this one for that honeymoon. तो भाई ने अभी बताया ये जो आप ये वाला घर देख रहे हो ये घर पेरेंट्स बनाते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो हनीमून हाउस उसको बोलते हैं। देखिए भाई ये है हनीमून हाउस, तो आप चलते हैं अंदर। So, let's go. Yeah. तो भाई सबसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको अंदर दिखाता हूँ। Wanna to have a picture with you here. ओके okay, तो भाई दानी भाई को भी मेरे साथ में पिक्चर लेना है। वो ले, 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 वो भी ट्रेडिशनल कपड़ा पहन रहे हैं। व्हाट इज किंग इन उडुगा? आई एम द उडुगा किंग। उडुगा 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 अतेलाले अतेलाले साथ के तुना तुम खेले देना दे मेरे को ओरिजिनल में। अतेलाले 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 दे दूंगा ओरिजिनल में डाल दूं। भाई हमारे दानी भाई भी आ गए। ये बता रहे हैं कि जो ये ट्रंक देख रहे हो ट्रंक पार्ट है यहाँ से एंटर होते हैं, और एंटर होने से पहले आप लोगों को सारा जो हथियार वगैरह होता है वो घर के बाहर छोड़ना पड़ता है एज ए रिस्पेक्ट, अंदर नहीं लेके जा सकते उसको। So what is great thing? सारो 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 yeah, तो भाई घर अंदर घुसने से पहले सारो सारो बोलना पड़ता है। सारो 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 आई माले आई माले आप सीट सारो सारो वेलकम वेलकम अशाम मीन्स वेलकम होता है, तो ये वेलकम करें हमारा सर। तो ये भाई ऐसा बहुत मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त घर है यार। थोड़ा सा बैठते हैं। We have inside partition. This part is like dining part. Okay. ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये डाइनिंग पार्ट होता है, कभी भी कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ तो मेन जो होता है खाने पीने का प्रोग्राम वो यहीं पे होता है। ये बड़ा पार्ट है पूरे रूम का, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। As you see, there is no pillar in the middle of the house. Yeah. Instead of pillar, we use fire in the middle of the house because the fire keeps the strings of the bamboos and the smoke kills the insects. तो भाई ये बता रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये घर का एकदम सेंटर पार्ट है, और सेंटर पार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पिलर कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ ये आग लगाते हैं ताकि भाई ये आग से बैम्बू थोड़ा कड़क भी हो जाता है और सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भाग भी जाते हैं। तो यार इनका काफी सही प्रोसेस है। बीच में देखिए यूजुअली हर ट्राइब में कैसा होता है पिलर होता है, इधर पिलर नहीं है, यहाँ पर आग लगा के रखे ताकि बैम्बू भी कड़क रहे और कीड़े मकोड़े भी भाग जाए यहाँ से। Above of the fire, above of the smoke, we hung meat to dry it. Okay. And also in the rest time they hung it like malt. Malt. Our local drink which is called borde. Borde. तो ये आग के बिल्कुल ऊपर एक बाम्बू बांध के रखते हैं, और ये जो आप छोटा छोटा ये देख रहे हो ना पोटली ऐसा छोटा छोटा, इसमें जो रहता है ये मीट ड्राई करने के लिए लगते हैं ताकि मीट बराबर रहे खराब ना हो, तो मीट ड्राई करने के लिए ऊपर रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ की जो लोकल ड्रिंक है उसको फर्मेंट करने के लिए यहाँ पे रखते हैं आग के एकदम बिल्कुल ऊपर ताकि वो ठीक से फर्मेंट हो जाए और सारी चीजें बराबर रहे। Yeah, this is to drink borde, the local borde. Drink. And then this, there is decoration above of it, which decorations has their own meaning. The first decoration shows the people are weaver. And then this decoration, the cross shows people are Christian. ये जो कलाबाश देख रहे हो इसमें यहाँ की लोकल ड्रिंक पीते हैं,
और ये भाई बहुत ही स्पेशल चीज बताए, इस पर आप देख सकते हो अलग अलग डिजाइन बनी है अलग अलग उसकी, और यहाँ देख सकते हो यहाँ क्रॉस भी एक बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग क्रिश्चियन है। और एक और स्पेशल बात ये बताया कि अगर कोई दो लोग में झगड़ा हुआ रहता है तो यहाँ के बड़े लोग क्या करते हैं, इसमें ड्रिंक भरते हैं और लोग दोनों को एक साथ पिलाते हैं ताकि उनका जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। कंप्लीट एंड टुगेदर इस जग अगर या ड्रिंक जस्ट फॉर पिक्चर अर्गो यू होल्ड दिस एंड एट द सेम टाइम यू ड्रिंक फॉर यूनिटी। ओके तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा अगर कोई दो लोग में झगड़ा हुआ रहता है तो दोनों एक साथ पकड़ के दोनों एक साथ पीते हैं ताकि वो पीस लव यूनिटी एकदम वापस वैसे ही हो जाए, झगड़ा सारा सॉल्व हो जाए। तो काफी सही सिस्टम है इसमें। ओवर हियर दिस इज गेस्ट बेडरूम इन केस समवन हैज टू कम हियर वन डे फॉर एग्जांपल दे ट्रैवल टू गो मार्केट अबाउट 10 किलोमीटर्स ऑन द वे इट बिकम्स डार्क दे आस्क तो भाई इनका जो घर है अंदर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले भी बता देता हूँ, वो काफी ज्यादा बड़ा है। लिटरली आप इसकी सीलिंग देख सकते हो कितनी ज्यादा ऊपर तक है भाई, कितनी ऊपर तक है। और भाई जो यूजुअली दूसरे ट्राइब के घर से काफी ज्यादा बड़ा है, लिटरली वो दूसरे ट्राइब से तकरीबन भाई 20-25 गुना बड़ा घर है। और अलग अलग सेपरेशन और पार्टीशन भी यहाँ पर, ये सारा मेन एरिया है, हॉल एरिया है, फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ गेस्ट बेडरूम भी है, गेस्ट के लिए बेडरूम भी अलग से बना के रखे। काफी अंधेरा है, आप लोगों को दिखेगा नहीं, थोड़ा सा वैसा देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ भाई कुछ और भी दिखा रहे हैं, ये देखते हैं। ओके तो भाई ये देखिए, ये है गेस्ट बेडरूम और इस तरफ आप देख सकते हो ये है मेन बेडरूम या फिर पेरेंट्स बेडरूम आप बोल सकते हो। देखिए here is a storage part, काफी ज्यादा अच्छा बेडरूम बना के रखे हैं भाई। देखिए मतलब नॉर्मल जैसे बेड होते हैं वैसे मुझे लग रहा है, ये देखिए मेन बेडरूम है और इधर देखिए ये है स्टोरेज का एरिया, ये पूरा स्टोरेज के लिए अलग से बनाया गया है। तो ये ट्राइब के घर काफी ज्यादा बड़े हैं भाई, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। हियर इज चिल्ड्रन बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, दिस इज व्हाट चिल्ड्रन प्लेइंग ड्रम, चिल्ड्रन बेडरूम। सबसे पहले था वहां पर गेस्ट बेडरूम, फिर यहाँ मेन बेडरूम जिसको पेरेंट्स का बेडरूम बोल सकते हैं, फिर यहाँ चिल्ड्रंस बेडरूम, यहाँ स्टोरेज हाउस भी है। और यहाँ देख सकते हो आप लोग कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता है तो बच्चे लोग इस पे ढोल बजाते हैं। सो व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? काउ स्किन से बना हुआ है भाई ये पूरा। देखो दिस वन इज स्कूल बैग फॉर चिल्ड्रन, दिस वन इज समटाइम्स आवर एल्डर smoke tobacco. Okay. This is to have tobacco. This okay, is light material. Yeah. And then they travel a long way and then they hold this one. Okay. Here okay. Fire and tobacco over here and then तो ये भाई बूढ़े लोग का हुक्का जैसा पीते हैं ना? Horn. हुक्का है. Bamboo and clay. Yeah. Here there is cows place. The animals couple. भाई देखिए ये इतनी बड़ी जगह है ना भाई, यहाँ पर बेडरूम भी इतने सारे हो गए हैं और साथ ही साथ हॉल है, फिर स्टोरेज रूम है घर के अंदर, वो झोपड़े के अंदर आप सो सकते हो। और यहाँ देखिए जानवर के लिए भी अलग से इतनी बड़ी जगह बनाई गई है, तो काफी ज्यादा बड़ा घर होता है भाई ये यार, बहुत ही बेस्ट घर है। To be together here, the main reason is if there is their breathing gives warmth. If there is some dispute between two people in the family, someone goes to inside, that will be stopped. Okay. The dispute will be solved. Because why is it? You can guess it. Why? This is question for you. It's very hard question. It's very hard question. Because Jesus is born in animals couple. Okay. They imagine that the God spirit inside of animals. Okay. Yeah. तो भाई ये बताएं कि जो घर का ये जो सेक्शन है जहाँ पर जानवर रहते हैं, तो किसी का झगड़ा होता है तो वहाँ लेके जाते हैं और साथ में सवाल पूछे कि वहाँ अंदर लेके जाते हैं तो मैटर सॉल्व कैसे हो जाता है? तो यार इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई जीजस जो थे वो जहाँ जानवर वगैरह थे वहां पर ये ऐसा मानते कि वहां बॉर्न हुए थे, तो वहां जाते तो वहां जीजस की प्रेजेंस रहती है ऐसा ये मानते, ताकि वहां मैटर सॉल्व कर देना चाहिए। तो ये काफी मतलब काफी डिटेल में चीजें बता रहे हैं। Now we will go to the garden to see how to prepare food from first banana. Okay. तो भाई यहाँ से अब हम निकल रहे हैं गार्डन की तरफ, कि काफी ज्यादा बड़ा घर था भाई, काफी ज्यादा बड़ा। अंदर था गेस्ट बेडरूम था, फिर उसके बाद नॉर्मल बेडरूम था, फिर उसका चिल्ड्रंस बेडरूम था, स्टोरेज हाउस था, फिर बाकी हॉल एरिया था, जानवर के रहने की जगह थी। भाई देखिए इस घर में, देखिए इस घर में पूरे लग रहा नहीं आपको ये, तकरीबन कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से जैसा भाई बता रहे हैं कि ये 10-12 मीटर लंबा है। तो भाई अब ये हम आ गए हैं गार्डन एरिया में, यहाँ कैसे खाना बनाते हैं वो बताएंगे भाई। There is
high number of false banana plants because our staple food. False banana is our staple food. भाई बता रहे हैं कि आप लोगों को घर के आसपास जो आंगन के अंदर आप लोगों को केले के पेड़ बहुत सारे देखने मिलेंगे, क्योंकि भाई इनके इनके कल्चर में, इनके ट्राइब में केले के पेड़ का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब ये नीचे जड़ से लेके ऊपर पत्ते तक सब चीज यूज करते हैं। पत्ता जो होता है ऊपर का वो यूज करते हैं जानवर के लिए, जानवरों को खिलाते हैं, और कभी धूप वगैरह लगी तो वो ऐसा उसके लिए यूज करते हैं ताकि छांव रहे। और ये जो स्टेम देख, ये जो देख रहे हो अभी वाला पार्ट, ये पार्ट खाने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं अभी दिखाएंगे आपको, ये देखिए। Yeah, now she is scratching. And then after they are, she is separating the edible part and remaining. The edible part. Now let's smell it. Now it's fresh. Fresh, yeah. Yeah, after this moment, after this activity, she will take this one in the hall to ferment for 3 months. Okay. Then it will be like cheesy smell. Now it is fresh. It is. आप लोगों ने देखा ये सब ऐसा वो पीस वो करते हैं, फिर ये जो निकलता है इसको ferment करते हैं, इसको रख के केले के पत्ते में जमीन के अंदर रखते हैं 3 महीने के लिए। और उसके बाद देख सकते हो अभी जो फाइबर मिलता है, ये फाइबर से फिर उसके बाद में ये रस्सी वगैरह, बैग वगैरह सारी चीजें बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं। और भाई लिटरली आप सोच सकते हो इससे खाने का भी आइटम निकाल लिए नीचे, और इससे फिर फाइबर से ये सारा बैग वगैरह कपड़ा वपड़ा सारा सिल लेते। तो यार काफी चीज यूज करते हैं, देखिए रस्सी बना के दिखा रहे हैं। Now let's see fermented one. तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी अभी घसे, तो 3 महीने को 3 महीना जमीन के अंदर रखते हैं। और कैसे रखते हैं आप लोगों को अभी दिखाते हैं, देखिए इसके अंदर डाल के रखते हैं इन हियर फॉर 3 months। तो भाई ये होल के अंदर 3 महीना रखते हैं। तो देखिए भाई ये जमीन से निकाल रहे हैं, तकरीबन 3 महीने तक अंदर इसको रखे थे, अब ये निकाल रहे हैं। देखिए लुक हाउ कलर डिफरेंट इज इट। या नाउ लेट्स स्मेल इट। ओ इट्स या नाउ लाइक चीजी स्मेल, चीजी स्मेल। तो देखिए भाई वहां फ्रेश एकदम निकाले थे, और यहाँ कलर में काफी फर्क हो गया, और स्मेल में भी काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई ये स्मेल। तो देखिए अभी शी इज मेकिंग, नाउ शी इज चॉपिंग for home consumption, or we will test it in 10 minutes. Okay, okay. देखिए ये चॉप करके इसको कुछ बना रहे हैं, अभी हमको खिलाएंगे। मेरा तो जरा भी मन नहीं है लेकिन खाऊंगा। Why she chop is there is small piece of fibers still. Then it will be chopped and become smooth. And then like dough. After that she will make us like a false banana pizza. Now she will put it this one on the pan, on the fire. तो भाई जैसा कि अभी देख लिए ये बना दिए, अब इसको आँख के ऊपर डालेंगे, तब देखिए वहाँ पर आँख जली हुई है, वहाँ पर इसको बनाकर डाल देंगे। भाई दोरजे टाइप के जो घर वगैरह होते हैं ना भाई, वो बेस्ट होते हैं भाई, जैसे लग्जरी होता है ना वैसे टाइप के होते हैं भाई। ये सिटिंग के लिए एरिया है, यहाँ गेस्ट वगैरह बैठते हैं। यहाँ दिस इज मेड अप ऑफ काउ स्किन, काउ स्किन से सारी सीट बनी हुई है भाई। और बोले कि भाई यहाँ मेन बैठते हैं तो आप यहाँ मेन बैठो। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैम, जो केले के स्टेम से छील के बनाए थे उसकी रोटी बन गई है भाई, ये हमारे लिए आ गई है, बोलते पिज्जा बन गया है। तो ट्राई करेंगे भाई, मेरा तो मन नहीं है क्योंकि इसमें स्मेल जो है वो काफी डेंजर वाली आ रही है। तो मैं ट्राई करूंगा इसको, टेस्ट करता हूं भाई, देखता हूं कैसा है। There is our pizza. Yeah. We call it ugata. Ugata. Yeah. Ugata. तो भाई इसको ugata बोलते हैं। This is spicy to eat with that. Okay. And this one is honey. Ah, okay. Yeah, the honey from bee. We started that also anja. Okay. Yeah. You are our king. Uduga. Yeah. तो भाई मुझे बोल रहे हैं कि किंग है, ठीक है, ऐसी घर की ऐसी रोटी होती है ना, बिल्कुल वैसी है। हमारे कैमरामैन को भी खिला रहे हैं, काफी ठीक ठाक। इट्स रियली नाइस। नाउ यू इट्स योर ओन। काफी अच्छा है, मैं तो नहीं खाने वाला था लेकिन ट्राई करूंगा मैं फिर से। देखिए पहले इस पे थोड़ा सा तीखा लगाते हैं, फिर थोड़ा सा इस पे, ये शहद है भाई, ओरिजिनल शहद है, आप देख सकते हो ओरिजिनल शहद है, दोनों को मिला के फिर खाते हैं। ठीक ठाक है ब्रो, ज्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि भाई 3 महीना जमीन के अंदर रखा हुआ था। तो भाई काफी बढ़िया बढ़िया घर है भाई इनके। देखिए हमने वहाँ बैठ के वो कुछ रोटी वगैरह कुछ खिलाया, और ये लोग थोड़ा लोकल ड्रिंक भी ट्राई किए। देखिए भाई ये घर वगैरह हम अंदर पूरा दिखा चुका आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ भाई यहाँ की वीविंग दिखाने, क्योंकि भाई ये टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस ट्राइब है। तो भाई बताएंगे कैसे वीविंग करते हैं ये लोग, और जो भी सारा प्रोसेस है आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्रदर तो देखिए ये कुछ ट्रेडिशनल मशीन है भाई, करके दिखाएंगे कि वीविंग करते कैसे है इस पे। ये देखिए मशीन वगैरह कुछ सेट कर रहे हैं। अच्छा पैर के नीचे फंसा है इसको। तो देखिए भाई ऐसा कुछ होता है, देखिए ये धागा यहाँ से डाले, फिर इसको ये पीछे से दबा दिए। देखिए ये पास किए धागा, इसको दबा दिए।
भाई मैं ये ले लिया 300 रुपये का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक ऐसा सुविनियर भाई। और देखिए हेलो ऑर्थोडॉक्स। तो भाई ये इनका रिलीजन ये है, ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं। तो आप देख सकते हो उनके कपड़े वगैरह से, तो आपको समझ में आया कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है। और यहाँ कुछ सेरेमनी वगैरह चलने वाली है, देखिए आप कुछ वो कुछ कॉटन वगैरह ला दिए, कुछ उसमें बनाने वाले हैं। तो बस हमारा तो टूर हो गया, मैं आप लोगों को सारा दिखा दिया भाई, पूरा वहाँ से स्टार्ट करके पूरा अंदर तक दिखा दिया। तो अब चलते हैं बाहर। थोड़ा सा अजीब लग रहा था भाई, वो माइंड नहीं करना, क्योंकि भाई अगर कोई ट्राइब से विजिट करो तो वहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथ पहनना बहुत ज़रूरी होता है भाई, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, और काफ़ी ठीक ठाक और कलरफुल था। तो चलते हैं हम बाहर। तो ये था भाई सारा कुछ दोर्जे ट्राइब का विलेज, और उनके घर दिखा दिया, उनके लोगों से मिला दिया भाई, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, उनका कल्चर, खाते क्या है, रहते कैसे, और उनका ट्रेडिशनल वो उनका घर के अंदर का सारा सीन, उनका खाना क्या होता है, और सारी चीज़ आपको कंप्लीट डिटेल दोर्जे ट्राइब के बारे में मैं दे दिया, उनके घर दिखा दिया। सबसे मेन चीज़ जो मुझे भी देखना था और आप लोगों को भी शायद बहुत स्पेशल लगा होगा, जो इनका घर होता है वो काफ़ी यूनिक होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दिया। थैंक यू मिस्टर टेडी, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर विलेज। थैंक यू टू, यू आर वेलकम। तो भाई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, बाय।